बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कार्यरत 90 अस्थायी कर्मचारियों को 3-4 महीने से वेतन नहीं मिला, इसके चलते उन पर आर्थिक संकट है। इसके चलते घर की ज्वेलरी तक उन्हें बेचनी पड़ रही है। कर्मचारियों ने बताया कि वो स्वयं सेवी संगठन के माध्यम से पदों पर कार्यरत हैं और उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, इसके चलते घर चलाना मुश्किल है। कार्य बहिष्कार के कारण अब अस्पताल में भी अव्यवस्था का आलम है। मरीज ओपीडी की पर्ची लेने से लेकर डायलिसिस कराने तक को परेशानियाँ झेल रहे हैं। इस पूरे समस्या को लेकर बात की एनडीटीवी के संवाददाता के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत अस्थायी 90 कर्मचारियों ने पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिलने पर आज हड़ताल कर दी है और उन्होंने कार्य का बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि गत कई महीनों से उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और बाजार में काफ़ी उधारी हो गई है, जिसको लेकर वो हड़ताल पर उतर गए हैं। उनका कहना है कि बार बार ये समस्या आती है और तनख्वाह नहीं मिलती है और जिससे उनकी स्थिति खराब हो रही है। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या समस्या है और क्या कमते क्या नाम आपका? रोशनी जोशी। रोशनी जी, क्या समस्या आ रही है आपको? पेमेंट सर नहीं मिल रहा, पेमेंट तो चाहिए, बिना पेमेंट के कैसे नौकरी पे आए, इन कैसे काम कर रहे हैं? काम तो कर ही रहे हैं, काम दे ही भी रहे, ऐसा तो है नहीं, काम नहीं कर रहे तो तनख्वाह भी टाइम पे आनी चाहिए। क्या समस्या आ रही है आपकी? सर पेमेंट टाइम पे नहीं आ रहा, हर महीने जब से ये एनजीओ आया तब से 15-20 तारीख 25 तारीख यूँ पेमेंट हो रहा है, वो भी दो बोलने पर ही हो रहा है, ऐसे हो ही नहीं, हर बार लेटर देते हैं। 5 तारीख को भी लेटर दिया था कि हम कार्य बहिष्कार करें, लेकिन वो छुट्टियाँ आ गई उसकी वजह से हमने कार्य बहिष्कार नहीं किया। पैसा नहीं मिला समय पर तो समस्या आती घर में, गाड़ी बहुत समस्या आ रही है सर। पहले भी कम सैलरी पे काम कर, आपका नाम क्या है? मोनिका सोलंकी। मोनिका जी, घर में क्या समस्या आ रही है? सर घर में बहुत सी दिक्कत आ रही है, लाइट बिल भरना है, गैस की टंकी नहीं, अब पैसे बिना हम कैसे करें, बच्चों को भी हमारे देखना पड़ता है। मैं करीबन 7-8 महीने से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, कंप्यूटर ऑपरेटर पे हूँ। तो मेरे को कहा जाता है कि आपके अलग मीटर आपका पेमेंट कर दिया जाएगा, हर महीने पे जाता हूँ बोलते हैं कि आपका पेमेंट आ जाएगा, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। मेरी दिक्कत ये हो गई, मैं घर के अंगूठियाँ चेने सब गिरवी रख के काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और स्थिति बहुत खराब है सर मेरी। तो घर में और क्या कैसे क्या चला रहा काम? सर अंगूठियाँ सब गिरवी रख के, सर अंगूठियाँ चेन गिरवी रख के मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर भी बादशाह से मिला क्या? नहीं मिला सर, अभी तो कोई पेमेंट, अभी 1 रुपया तक का पेमेंट नहीं डाला गया मेरे। और भी कोई बातें हैं कि और भी क्या बातें हैं कि बात करते हैं कि आपके क्या समस्या है? मेरी यही समस्या, 3 महीने हो गए सर। 3 महीने हो गए, क्या काम करते हो आप? मैं गार्डनर का सर। गार्डनर का। कितना मिलता है महीने का? मेरे मिलते 9,040 रुपये। अच्छा, तो 3 महीने से मिले नहीं है? नहीं, 3 महीने से। काम कैसे चला रहे हो? घर का काम सब क्या करें, उधर उधर मेहनत करता हूँ दिन में जाके, और क्या करें, किसी से उधार लेता हूँ, बाजार में पैसे मांग रहे हो उनका ही बंद है, व्यवहार ही खत्म हो गया। तो आपने देखा ये जो अस्थायी तौर पर काम कर रहे थे, जो बहुत कम तनख्वाह मिलती है इनको, उनको 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, जिसके चलते अब स्थिति ये आ गई है कि घर के गहने बेच करके भी घर चला रहे हैं। इनका कहना है कि हर महीने ये स्थिति होती है और उनको हर बार उधार लेके काम करना पड़ रहा है और बाजार में भी उधार देना व्यापार ने बंद कर दिया है, जिससे चलते उनकी बड़ी परेशानी हो रही है। बांसवाड़ा से एनडीटीवी के सुभाष मेहता।